नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अनइंस्टॉल और रिमूव एप्स एंड प्रोग्राम इन विंडोज 10। लैपटॉप पीसी से एप्स सॉफ्टवेयर डिलीट कैसे किए जाते हैं, उन्हें परमानेंटली डिलीट करने का सही तरीका क्या है, आज इस बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टेक नॉलेज हब को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है दोस्तों, दिस इज़ नॉट राइट वे टू अनइंस्टॉल और सॉफ्टवेयर आर एनी प्रोग्राम। तो आपको क्या करना है, मैं पहला तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे विंडोज की पर प्रेस कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 नंबर पे जो ऑप्शन है सेटिंग का, उस पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्स एंड फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में, लैपटॉप में, पीसी में जितने भी एप्स वगैरह इंस्टॉल है तो सबके सब सॉफ्टवेयर एप्स सबके सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो अब सिंपली आपको इसे अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और इसे अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये पॉपअप आएगा, दिस ऐप एंड इट्स रिलेटेड इन्फो विल बी अनइंस्टॉल। तो आपको सिंपली यहाँ पे अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों अभी अनइंस्टॉल होने जा रहा है। तो ये देखिए अनइंस्टॉल कम्प्लीट होगा या यहाँ से रिमूव हो गया दोस्तों। तो अब ये था पहला तरीका। तो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल लिखने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको पहले कैटेगरी सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, प्रोग्राम्स में जाना है। प्रोग्राम्स में जाने के बाद प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना है। यहाँ पे आने के बाद जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपके इसमें इंस्टॉल है तो यहाँ से आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर्स है विंडोज़ के तो उसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते दोस्तों, वो अनइंस्टॉल नहीं होता है। तो सिंपली अगर आपको कोई एप्लीकेशन यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना है इस पर और सिंपली यहाँ पे अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। और हम जो तीसरा तरीका की आप बात करने वाले हैं, जो सबसे इजीएस्ट वे है अनइंस्टॉल करने के लिए, सिंपली यहाँ पे आपको आना है स्टार्ट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको कोई भी प्रोग्राम अगर अनइंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इस पर अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था तीसरा तरीका, जो कि सबसे आसान तरीका है दोस्तों। तो अब मैं इसे आपको अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल पर क्लिक करके देना है और ये दोबारा अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो देखिए वो हट गया है दोस्तों, यहाँ से वो डिलीट हो गया। तो ये तीन तरीके थे जिसपे हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे और एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।